स्वागत है आप सभी का कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं मुस्कान। गोपाल की इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोपाल जिले के गंगावती तालुका के अनिगुंडी श्री रंगनाथ मंदिर के परिसर में जिला पंचायत के नाम बदलने के सरकार के कदम को निंदा करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। सरकार और स्थानीय लोगों के लापरवाही के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। इस समय पर कार्यक्रम के आयोजक कांग्रेस पक्ष के वरिष्ठ नेता और तापम पार्टी के पूर्व सदस्य प्रवीण कुमार अचानक इस जगह पर बेहोश हो गए और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत होने की सूचना भी सामने आई है। कोलार के बाहरी इलाके में एपीएमसी बाजार के पास अचानक से आग लग गई। पुराने टायर को रिसाइकल करने और पंचर डालने की दुकान में अचानक से आग लगने के कारण लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है और यह बताया जा रहा है कि ये दुकान के मालिक का नाम रफीक अहमद है और पंचर दुकान में अचानक आग लगने के कारण आग की लपेट में आसपास रहे तीन और दुकान भी जहां पर आग की चपेट में आ गए हैं। अग्निशामक दल की मदद से आग पर काबू पाया गया है और यह मामला अब नगर के पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। कोप्पड जिले की कुष्टगी तालुका तेवरसगिरी बसवडना सरकारी भवन के वासी महांतेश गौली ने खुद अपने बीवी को जान से मार डाला है। एक बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई है। हत्या के पिछले दिन देर रात को ही पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके कारण दूसरे दिन इस झगड़े का अंत में महिला की हत्या कर दी गई है। मृत का नाम गीता महांतेश उम्र 38 वर्षीय के तौर पर सामने आया है, जिसके एक बेटा और 3 बेटियां बताई जा रही है। महांतेश आरोपी को पुलिस ने अपने वश में कर लिया है और घटनास्थल पर उप विभाग के DYSP ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बेलगावी में लखन जारकीहोली ने बताया कि सिंचाई मंत्री के रूप में रमेश जारकीहोली ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। यह योजनाएं 6 महीने में पूरा हो जाने वाले थे। रमेश जारकीहोली का नाम बढ़ रहा था, जिसके चलते कुछ लोगों ने मिलकर इस तरह का उन पर आरोप लगाया है। रमेश जारकीहोली इस मामले से जरूर बाहर आएंगे। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होगा और कांग्रेस हाईकमान DK शिवकुमार के इस्तीफा लेना चाहिए। इससे बेलगावी की मस्की बसव कल्याण उपचुनाव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और किसी पर भी भरोसा करके प्रचार पे नहीं जाने को अपने भाई सतीश को DK शिवकुमार से सावधान रहने के लिए उन्होंने कहा है। रमेश कानून कई पार्क बंदे बरतार याकंद्र अद मुंदोन दिन कुलंकुश तनिखे आगे कानून सूक्त क्रम तक। जैसे जैसे बेलगावी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव सामने आ रहे हैं, कमल के नेता मतदान करने के लिए निकल पड़े हैं। दिवंगत सुरेश अंगड़ी का अकालिक निधन से लोकसभा क्षेत्र का उपचुनाव चल रहा है। भाजपा उम्मीदवार मंगल अंगड़ी, जिन्होंने आज बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करना शुरू कर दिया है, महिला सचिव और महिलाओं ने इस प्रचार में उनका साथ दिया है। देशाबद्दल काळजी करणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहे, त्यांचं हात बळकट करण्यासाठी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं कर्नाटकातही भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे, दिल्लीमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे। काही कामं व्हायची असतील तर आपल्याला ज्यांचं सरकार आहे त्यांच्याकडूनच करून घेता येते। बेलगावी में उपचुनाव का प्रचार बड़े धूमधाम से चल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश जारकीहोली को ग्रामीण शासक लक्ष्मी हेब्बलकर ने साथ दिया है। बैलहुंगाल, गोकाक, मुदलगी मत क्षेत्रों में बड़े जोरों से प्रचार किया जा रहा है। बढ़ते कदमों और राज्य सरकार के विफलतों को आगे रख कर प्रचार किया जा रहा है। मंगलूर से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर मंगलूर शहर में 2 आरोपियों को बलात्कार के मामले में पिछले ही महीने गिरफ्तार किया जा चुका है। मंगलूर शहर के पुलिस आयुक्त N शिवकुमार ने माध्यम से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 महीने में बर्बरता से हत्या के 4 मामले उजागर हुए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि आरोपियों का नाम अब्दुल रहीम और अब्दुल तौफीक है और इन दोनों आरोपियों को शहर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस द्वारा जाँच जारी है। ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿತ್ರಾಣ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಈ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ। बीदर जिले के औराद तालुका में रहे कौदाद गांव ग्राम में कोविड वैक्सीन कार्यक्रम किया गया। पिछले 2 दिनों में 15 से 20 ग्राम में
45 वर्षों के ऊपर जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं उन्हें वैक्सीन लगवाकर कोविड के रोग से मुक्त करने के लिए लोगों में जन जागरूकता अभियान किया गया है। सब सेंट्रल में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में डी के शरणाया स्वामी, टीएचओ और डॉक्टर प्रवीण और कई अनेक लोग भी शामिल रहे। विजयपुर जिला कलकेरी तालुका के पास रहे आलगूर गांव में कच्चे गांजे के पौधे खेत में अवैध रूप से उगाए गए थे। पुलिस द्वारा जब्त किए गए साइबन ना भगपत्ता मुरकन्नाल को गांजे उगाने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी के बागीचे में 4 कच्चे गांजे के पौधे उगाए गए थे, जिसकी मार्केट मूल्य 5,600 के तौर पर बताई जा रही है। पौधों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। इस बात की जानकारी एसपी अनुपम अग्रवाल द्वारा दी गई है। गुम्मट नगरी विजयपुर शहर में पावर स्टार पुनीत राजकुमार के नए युवरत्न मूवी रिलीज की गई। लक्ष्मी थिएटर में रिलीज की गई यह मूवी अप्पू के फैंस एसोसिएशन के द्वारा नगर के लक्ष्मी थिएटर में पटाखे फोड़े गए और धूमधाम से इस मूवी को देखा गया और यहां पर डांस भी किया गया। कर्नाटका एक्सप्रेस में बस इतना ही, और लगातार खबरों के लिए देखते रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस हिंदी न्यूज़।